आप जिन चीजों को लेकर सोचते हो समझते हो, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि इसने कह दिया है कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है और ये शायद मुसलमान। जो चित्र हुसैन ने बनाए वो अगर कोई हिंदू बनाता तो वो देश में ही रहता। वो शायरी जो हिंदुस्तान के किसी और कोई और शायर कहता उसका कोई विरोध नहीं करती, वो हिंदू होता ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, कि बदजुबा हो जाएंगे या बेजुबा हो जाएंगे जो बच्चे खौफ के साए में पाले जाएंगे। पूरी दुनिया में खौफ है। नमस्कार, मेरे साथ मेरे मित्र विनय अंबर जी हैं। आपका एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। ये काफी अव्वल दर्जे के चित्रकार हैं, कविता साहित्य में आपका काफी दखल है। कई कवियों की कविताओं, शायरों की रचनाओं पर आपने चित्र बनाए हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में वो छपे भी हैं और अच्छी गैलरियों में वो रखे भी गए हैं। और साहित्यकारों, लेखकों, रचनाधर्मियों, रंगकर्मियों के बीच में आपने अपनी जीवन की एक लंबी श्रृंखला का समय जो है वो बिताया है। और मैं ये भी बता दूं, और चूंकि आज ये मेरे साथ हैं तो इस बात की गवाही भी दे देंगे कि मैं अपनी शैक्षणिक यात्राओं और शैक्षणिक कार्यक्रमों के पहले 10 साल पहले से मैं इनके स्टूडियो में बहुत लंबा समय बिताया करता था, ज्ञान चर्चाओं में और विषयों को समझने के लिए। और मेरा जीवन का विषय जो है वो अलग है, मतलब वो एकेडेमिक और अर्थशास्त्र, विधि और इन सब विषयों में रहा है और चल रहा है। परंतु शायरी और कविता मैं उतना ही पसंद करता हूँ जितना एक प्रज्ञा रखने वाला व्यक्ति समाज में पसंद करता है। राहत इंदौरी इस बीच हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी को मैं पसंद करता रहा, सभी पसंद करते रहे, इसमें मैं कोई अपवाद नहीं हूँ, या उससे मेरे पसंद करने से उसमें श्रेष्ठता की श्रृंखला नहीं जुड़ती है। उनको उनको चाहने वाले इस दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में रहे उन्होंने अपने जीवन में बेहतरीन लेखन कर्म किया। पर विनय जी की समझ मुझसे काफी बेहतर है इन विषयों पे, और सानिध्य भी रहा है लगभग लगभग और हमारी मित्रता जो है वो प्रगाढ़ रही है। तो मैं विनय जी से ये जानना चाहूँगा और आप भी जानना चाहेंगे, सभी जानना चाहेंगे कि राहत इंदौरी किस शख्सियत का नाम था। यानी राहत इंदौरी को हम उनके जाने के बाद यदि समय याद करेगा तो कैसे याद करेगा। राहत इंदौरी तो आने वाला समय इस वास्ते याद करेगा कि राहत इंदौरी एक जिंदा दिल इंसान थे, एक मकबूल शायर, जनता का शायर मैं उन्हें मानता हूँ, आम आवाम का शायर मानता हूँ, और उन लोगों का शायर मानता हूँ जो लोग जीने के हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए लड़ते हैं। और राहत इंदौरी एक दिलदार और बहुत कहना चाहिए मोहब्बत से लबरेज एक इंसान तो शायद अमूमन कम ही मिलते हैं। मेरी नज़र में तो राहत इंदौरी की शख्सियत एक पुर मोहब्बत और दिलदार आदमी की तरह ही है, और शायर की हैसियत से कहूँ तो वो मकबूल और एक इंकलाबी शायर है मेरी नज़र में। देखिए, ये मेरे जो सामान्य बुद्धि में जो प्रश्न आता है, जैसे बटाली को दर्द का शायर कहा जाता था, जो पंजाब के शायर थे बटाली, फिर मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, पाकिस्तान के शायर जो थे जिनको दर्द का शायर कहा जाता है, ऐसे दर्द के शायर शायरों की एक श्रृंखला रही है। आप और कुछ शायर आवाम के शायर जैसे आप बता रहे हैं, कुछ शायर मोहब्बत के शायर थे और कुछ कुछ शायर जो थे वो जिंदगी के फलसफे के शायर थे।
तो ये आवाम का शायर ने ये कैसे आवाम का शायर कैसे बनाया? अभी जी दरअसल मामला जो कि जो दिलदार है, जो मोहब्बत से लवरेज है, वही आवाम का आदमी है, वही दर्द समझ सकता है, वही दुख तकलीफ समझ सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है। जिसके दिल में मोहब्बत ही नहीं है वो दुख तकलीफ और इंसानी हकूक पर जो चीज़ें होती हैं, जो आम गरीब पर गुजरती है, वो समझ सकता है जिसके दिल में मोहब्बत है। मतलब ये बात हुई कि शायर की शख्सियत और उसकी शायरी का एक बहुत करीबी ताना बाना होता है। ताना बाना है, उसका विस्तार है, बहुत बड़ा है, वो समुद्र है भाई। अमूमन एक बहुत नामी शायर है, वसीम बरेली भी, उनका जिक्र मैं करूँगा कि बहुत छोटा सा शेर उन्होंने कहा, लेकिन इतना बड़ा शेर है वो कि वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के जितने भी दिल से बच्चे हैं उन पर मुकम्मल है कि बदजुबा हो जाएंगे या बेजुबा हो जाएंगे जो बच्चे खौफ के साए में पाले जाएंगे। पूरी दुनिया में खौफ है, तो इस तरह से सोचने वाला वो बहुत मोहब्बत का शायर है। वो तो मोहब्बत पर शायरी करते हैं लेकिन आवाम पर भी शायरी करते हैं, वो छोटी छोटी उन चीज़ों पर शायरी करते हैं जो मुकम्मल तौर पर आदमी को हर्ट करती है, परेशान करती है। परंतु ये जिस तरह की सियासत और आवाम अब इस समय चल रही है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वो बहुत जल्दी आपको आवाम से जोड़ती भी है और आवाम में एक हिस्सा आपके पक्ष में भी खड़ा होता है और एक विपक्ष में, तो राहत के भी विपक्ष में खड़े होने वाली एक फौज रही है। मतलब राहत के नापसंदगी तो नहीं कहेंगे लेकिन उनके बारे में तल्ख, हम उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं जाना चाहेंगे, परंतु तल्खी थी उनको लेकर कुछ। एक दो तीन चार गजलें या कुछ शेर हैं जिनके जिनको लेके हिंदुस्तान में उनके खिलाफ एक माहौल क्रिएट कराया गया, जिसमें उन्होंने इतना कहा था किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही। एक शेर, कैसा शेर था भाई? मेरे नज़र में या बहुत सारे लोग नज़र में बात हकीकत है कि किसी एक करोड़ देश है भाई। अगर जंगल में शेर, चीता, भालू, बंदर, बायसन, लेपर्ड, भैंस, गाय, चिड़िया, तमाम कीट, पक्षी, पेड़ पौधे, इतनी विविधता अगर जंगल में नहीं रहेगी तो जंगल कहना है? और क्या जंगल का पर्यावरण ठीक रहेगा? तो जब दुनिया के अंदर विविधता ही एक रूपता है, विविधता की निशानी है हिंदुस्तान, तो ये तो कोई एक थोड़ी कह सकता है कि मेरा हिंदुस्तान है, मैं ही देशभक्त हूँ। उन्होंने एक शेर और कहा है, उसका मफहूम ये है कि आपके घर में आग लगेगी है ना, आप हमारे घर में आग लगाओगे तो ये मत सोचना कि आपका घर नहीं जलेगा, आपके घर में पड़ोसों ही है, उसमें भी आग लगेगी। तो सवाल यही है कि आप जिन चीज़ों को लेकर सोचते हो, समझते हो, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है कि इसने कह दिया है कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है और ये शायद मुसलमान। जो चित्र हुसैन ने बनाए वो अगर कोई हिंदू बनाता तो वो देश में ही रहता। वो शायरी जो हिंदुस्तान के किसी और कोई और शायर कहता उसका कोई विरोध नहीं करती, वो हिंदू होता ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है, हमारा खून भी इस मिट्टी में है, सबका है। परस्पेक्टिव का मामला है, और वो परस्पेक्टिव का मामला उस व्यक्तिगत आइडेंटिटी से जोड़ करके दिखा जा रहा है। फैज ने बहुत कमाल शायरियाँ की हैं, फैज जेल में रहे हिंदुस्तान से जब बंटवारे के बाद, वो तो जनता का शायर था, वो आदमी तो आवाम का शायर था जो आम जनता के हक में बात करता था। तो सुबह कभी तो आएगी चंद रोज और ठहर मेरी चंद रोज मेरी जान, तो आवाम के शायर के जाने के बाद क्या आपको खाली बन लगता है? बहुत मुझे जैसे कि मैं कई मुशायरे सुनता था पहले, मुझे बंद कर दिए या सरदारी शहर में नहीं होते हैं या अमूमन बहुत कम होते हैं। तो मुशायरों में अक्सर क्या होता है ना, कुछ लोग सुनने जाते थे, लोग एक ज़माना था नीरज को सुनने जाते थे, नीरज जी आ रहे हैं तो नीरज जी का बोलना, उनके गाने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनकी लय सुनने जाते थे। बशीर भट्ट साहब आए तो बशीर भट्ट साहब की तरुणी सुनने जाते थे, उनके शेर भी मुकम्मल बहुत खूबसूरत शेर हुआ करते थे, लोग पागल दीवाने हो जाते थे उनको सुनने जाते थे। बहुत मुकम्मल बहुत दिनों के बाद एक शायर मंच पर ऐसा दहाड़ा कि जिसने बहुत सारे लोगों को, अगर उसके बाद पढ़ने वाले हैं तो सुनने वाले नहीं होते थे, उनने अपने श्रोता का शेर कहने का अंदाज, शेरी अंदाज, खूबसूरत अंदाज,
मेलोडी मतलब आवाज को जानने वाला, आवाज को पहचानने वाला, आवाज को फेंकने वाला, दूर तक उसकी शायरी की गूंज पहुंचे। लेकिन भाषाई तरन्नुम में आप किस तरह देखते हैं इसको? भाषाई तरन्नुम जो था तरन्नुम, बशीर बद्र और राहत इंदौरी या फैज, ये जो लोग रहे जो मुशायरों में मकबूल हुए और भाषाई पाक भाषा जिसको कहते हैं, जो शास्त्रगत भाषा कहते हैं जिसको, वो तो शायरी हो चुकी, वो जो जिसको आप कहते हैं एक रसूख की उर्दू, वो शायरी हो चुकी ना, वो फिराक साहब कर चुके हैं, वो बहुत सारे पुराने शायर कर चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो शायरी अगर आज हम पढ़ते हैं तो उन्हीं की समझ में आती है जो उस फलसफे को या उस भाषा को जानते समझते हैं। लेकिन एक आम भाषा में शायरी करने का जो फन नए शायरों ने ईजाद किया, उसमें बशीर साहब ने यहाँ शुरुआत थोड़ी सी पहले से है, लेकिन बशीर साहब ने इसको उर्ज दिया और राहत साहब जैसे बहुत सारे शायरों ने इसको नहीं मंजिले। अच्छा ये विनय जी, ये चूंकि राहत इंदौरी इंदौर के थे और मध्य प्रदेश के ही थे, मध्य प्रदेश के जमीन से, बशीर बद्र भोपाल से, तो ये जमीन जो है ये शायरों की, ये इन लोगों की वजह से उर्वरा जमीन बनी। और जबलपुर तो दार्शनिकों का भी शहर माना जाता है, यहाँ से अच्छे बेहतर अव्वल दर्जे के दार्शनिक निकले, विधि जगत के भी लोग निकले। जबलपुर से रिश्ता कैसा रहा आपका, आपका भी व्यक्तिगत कुछ रहा तो वो भी बताएं, और जबलपुर से राहत इंदौरी जी का रिश्ता, इंदौर की जो नहीं, बतौर शायर तो वो जहाँ पैदा होता है वहीं से मुकम्मल नाम मिलता है उस आदमी को, लेकिन बतौर शायर और वो जिस तरह मंचों पर पढ़ने जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जबलपुर की जो जनता है वो बहुत अच्छा सुनने वाली जनता है, अच्छा देखने वाली जनता है। तो यहाँ जो मुशायरे हुए हैं नो डाउट उन्होंने उन मुशायरों को बहुत अच्छे से पढ़ा भी और जनता श्रोता को देख के समझ के पढ़ा और सुनने वालों ने उन्हें बहुत सराहा और बहुत मोहब्बतें दी। आप बच के जा रहे हैं कैसे? मैं जानता हूँ कि आप कुछ व्यक्तिगत जानकारियाँ भी रखते हैं उनके मुताबिक, क्योंकि राहत इंदौरी को आपने करीब से देखा है या जिया भी है। अब मेरी उनसे बहुत अच्छी मुलाकात है, मेरी अच्छी उनसे मोहब्बत आना दोस्ताना एक रिश्ता रहा है, और लगभग आज से करीबन 21 साल पहले मेरी उनसे पहली मुलाकात जबलपुर में ही हुई थी। हम आकाशवाणी के मुशायरे में थे और ये मुशायरा आकाशवाणी के ही प्रांगण में हुआ था और वहाँ मैं सुन रहा था, उससे आगे बैठा हुआ था। तो अमूमन वो जब शेर कहते हैं तो गज़ल का मतलब कहते हैं, तो वो मतलब की पहली लाइन कहते थे और मैं उनकी मतलब की दूसरी लाइन उनसे पहले बोल देता था, पूरी तरह कौन बोल रहा है। अच्छा चलते मुशायरा ख़त्म हुआ, उन्होंने इशारा किया, मन से बोला कि भाई यहाँ बैठ के कोई साहब थे जो मेरे आगे आगे बोल रहे थे, वो कौन है? तो मैंने कहा मैं हूँ। तो उन्होंने कंधे में हाथ रखा और बोले माशाल्लाह आप लिखते पढ़ते हैं क्या? तो मैं कह रही मैं तो पेंटर हूँ और पहले जर्नलिस्ट रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ, पेंटर हूँ। और चूँकि मेरे परिवार में उर्दू शायरी का और शायरी का एक रास्ता रहा है, तो मेरे घर के अंदर छोटे छोटे नशस्तें होती रही हैं, शहर के तमाम शायर हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, मेरे पिता खुद अच्छे कवि और शायर हैं, ऐसे करके हमारी बातचीत शुरू हुई। और तो मैंने ऐसी बात करते करते उतने बड़ा वाक्य हुआ था, एक शायर थे जब का नाम नहीं लूँगा, वो अब नहीं है दुनिया के अंदर इसलिए नाम ही लेना चाहिए, उन्होंने एक शेर पढ़ा, उसमें उन्होंने नाखून पढ़ा, तो इस पर वो बहुत कोई उर्दू को जानकार आदमी और हिंदी आप जानने वाला अगर उर्दू शायरी करता है तो उसको बचना पड़ता है कई शब्दों से, समझ नहीं है तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने फिर बाद में इस बात पर टिप्पणी की कि ये शब्द इस्तेमाल आपने उचित नहीं किया, ये नाखून नहीं होता है, इसको आप द्वारा लिखिए द्वारा पढ़िए। और वहीं फिर मैंने ऐसे बैठे बैठे चुनौत बैठ के बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा आपको चाचा बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की उम्र सही है और एक ही तरह के काम करने वाले हैं, तो बोले बोल भतीजे बोल। तो मैंने कहा कि एक छोटी सी बात आपसे कहनी है, बता रही है उचित है कि नहीं है, सही है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ, बोले बोल। तो मैंने कहा कि तुम पानी की लकीरों पे जोशीले लफ्ज लिखना, तुम पानी की लकीरों पे जोशीले लफ्ज लिखना,
हम बाजीगरों का काम है उनको सुखा के पढ़ना, गलत से लगा लिया। बोलिए मफहूम कहीं से लाया क्या या तेरा मेरे क्या? वैसे बस सोच रहा था आपको सुनते सुनते मेरे दिमाग में आया कि आप इस तरह ही कुछ लिखते हो। वो हमारा एक हमारी बाउंड्री वहाँ से बनी और उसके बाद फिर फ़ोन नंबर एक दूसरे के लिया और अचानक से एक बार एक फ़ोन आया मेरे पास कि भतीजे मेरी किताब आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तेरे ड्राइंग उसके अंदर हो, मुझे साफ कवर कर रहे हैं उसका। तो मैं तो मतलब हिंदुस्तान का एक अजीम शायर, उसकी किताब शाया हो रही है, उस पर हुसैन साहब जैसे महान चित्रकार कवर कर रहे हैं और मुझको उनके अंदर अगर अपनी ड्राइंग्स उनके शेरों पर करने की कोई कह रहा है और वो खुद शायर कह रहा है तो ये तो एक बड़ी नेमत है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल करता हूँ। तो बोले बेटा समय कम है और एक महीने का समय है। तो मैंने कहा नहीं मैं कर दूँगा। तो मैंने दो तीन दोस्तों से उनके मिलने जुलने वालों से उनके शेर मांगे, उन्होंने फोटोकॉपी ला के दी मेरे को शेरों की और मैंने वो ड्राइंग करने तकरीबन 20 शेरों के ड्राइंग किए मैंने, जिसमें एक शेर था कि फैसले लम्हात के दसलों पे भारी हो गए बाप, फैसले लम्हात के दसलों पे भारी हो गए बाप, हाकिम थे बेटे भिखारी हो गए। ये हिंदुस्तान और फिर बंटवारे का टाइम था, बंटवारे पर ये शेर था उनका। एक शेर उनका था कि अक्सर जैसा लिखने पढ़ने वालों को कहा जाता है कि फकीर लोग क्या है, तो बड़ा गजब शेर कहा था कि हमारी फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारी फटी टोपियों पर तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे। ये रवायत है, इतिहास को भी उन्होंने एक शेर में कह दिया, पूरे ताज दिखा दिया, इतिहास को दिखा दिया उन्होंने कि आप हमको जो बोल रहे हो हमारे ताज जो है अजायब घरों में रखे हैं। और यही कहने वाला शायर कि हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, यही शायर को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही। तो ये दूरी जब आदमी बनाता है और फिर पास आता है तो फिर ख्याल ऐसी होती है। और फिर ये हुआ कि मैंने ड्राइंग कर ली है, उनका फ़ोन आया कि भेज, मैंने कहा मैं कैसे भेजूँ, कुरियर कर दूँ, बोले कुरियर मत करना पहुँचेगा नहीं। तो पता लगा कि यहाँ से एक शायर साहब हैं वो जाना चाह जा रहे हैं, उनको बोला गया है कि वो लेकर आ। तो वो आए मेरे पास जल्दी से, लपटवाया मैंने पैक करके दिया। तो मैंने बोला भी उनसे कि इसको कल पहुँचा दीजिएगा, शाम को 8 बजे तक पहुँचना है। बोले हाँ हाँ, वो तो मेरे को उन्होंने बोला तो मेरा काम करना ही है, हुकुम का मुझे पालन करने करना है। और मैं वो लेके चले गए, राज साहब का फ़ोन आया चौथे दिन कमबख्त की गाली के साथ, तो मैं सब गोल गोबर कर दिया करके तो मैं भेजा नहीं। मैंने कहा मैंने तो भेज दिए थे और उन्होंने बोला था कि मैं आपको जिस टाइम पर चाहिए उस टाइम तक पहुँचा दूँगा। बोले कौन ले गया? मैंने कहा फला फला ले गए थे आप, वो तुम तक आई नहीं। एक दिन बाद वो पहुँचे, वो प्रिंट उनके पास ही रखे रहे और किताब थोड़ी प्रिंट में जा चली गई, इंतजार करने के बाद चली गई। तो इस तरह से मैं उस एक बड़े जलजले से महरूम रह गया, नहीं तो आज मैं वहाँ पर उनके साथ होता हमेशा के लिए। लेकिन वो मेरे साथ, मेरे हर साथ मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके कई शेरों के साथ चलता हूँ। आपको बेहतरीन शेर आपकी उनका सबसे मुकम्मल शेर मुझे एक ही लगता है केवल बस, कि हम फकीरों का क्या है, जहाँ भी जाएंगे अपना सर उठा ले जाएंगे। हम फकीरों का क्या है, जिधर भी जाएंगे अपना घर उठा ले जाएंगे, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। बहुत शेर कहे हैं उन्होंने, बहुत शेर कहे हैं कमाल, लेकिन मेरी नज़र का एक ही शेर है जो कि मेरी फितरत पे और उठरी फितरत पे ऐसे कलाकारों की फितरत पर जो मौजूद है। आप राहत इंदौरी और जबलपुर में उनका आना लगातार रहा है, काफ़ी मुशायरों में आए हैं और उनके चाहने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। दरअसल जबलपुर ना शायरी का एक उस्तादी एरिया है, यहाँ बहुत सारे उस्ताद शायर हैं पहले भी थे और आज भी। तो उनको जब वो यहाँ आते हैं तो उनके साथ जो नशस्तें होती हैं या मुशायरों पर जब ये लोग बैठते हैं तो एक वहाँ अच्छी शायरी सुनने मिलती है। आज का जो मुशायरा है वो तो आज बहुत फेस्टिवल मुशायरा है, बहुत फैसले मुशायरा, लेकिन वो मुशायरे जो पहले होते थे ना कि एक दौर खत्म हो गया अब दूसरा दौर शुरू होगा। सवेरे 5 बजे तक आपको याद होगा या जबलपुर सुनने वालों को याद होगा कि जबलपुर में कमानिया गेट पे जो कभी जबल मुशायरा होता था वो सवेरे 6 बजे ख़त्म होता था। इस ज़माने में लोग
सुबह 6 बजे अपने घर निकलते थे वापस। महावीर जयंती पर ये तय था कि मुजाहरा होना है, सब लोग तैयारी करते थे भाई सुनने जाना है। और क्या शायर और क्या गीतकार और कवि आते थे, अजमेर इस्लामी में मुशायरा होता था, ऐसे कई मुशायरे होते थे, नाल मोहल्ले मुशायरे होते थे, लेकिन अब वो मुशायरों की वो तासीर ख़त्म हो गई, वो लोग अब सुनने वाले वैसे नहीं बच्चे हैं। तो इस तरह से चीज़ें धीरे धीरे, और ये आजकल आ गया ना यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, तो इस पर जो मुशायरे चलते रहते हैं तो लोग उसी मयार से सुनना चाहते हैं, वो मयार हर जगह ऐसा नहीं होता है। तो शायर को उन्होंने वहाँ पढ़ी थी ना, वो भी यहाँ कुछ सुनना चाहता है। पहले ये नहीं होता था ना, पहले तो नई नई गज़लें आती थी, नए नए शेर आते थे कि आपने नई गज़ल कही है। कई बार लोग शायर बड़े शायर आते थे कि भाई इस मुशायरे में भी नई गज़ल कही है, पुराने सुनाते थे लेकिन नई सुनाते थे कि भाई आज नई गज़ल कही। तो आपको उस शायर से कुछ नया नया सुनने की इच्छा भी उसमें अच्छा। राहत इंदौरी, क्या आप ऐसा देखते हैं कि राहत इंदौरी के साथ एक दौर चला गया? मुझे मुनव्वर राना और राहत इंदौरी दौर के, मुनव्वर साहब एक अलग दुनिया के इंसान हैं, वो भी मोहब्बत से लवरेज हैं, वो भी आवाम के आर्मी हैं, लेकिन राहत साहब का जो स्टेटस है, उनका जो उनकी जो पेडिस्टल है ना, वो बहुत अलग है। ऊंची नहीं, अलग है। क्या अलग ये है कि वो आदमी जिस अंदाज में, मैं तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि ये नहीं।, नहीं किया जा सकता। मैं इस तबीयत से इस तबीयत को समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है, परंतु फिर भी देखिए देखिए एक बात सुनिए आप, राहत साहब का एक शेर है, मुनव्वर साहब ने माँ पर बहुत शेर लिखे हैं और एक से एक बढ़कर शेर लिखे हैं, माही मोहब्बत में लिखे हैं, उसके किस तरह से लिखे हैं। लेकिन राहत इंदौरी का एक शेर देखिए आप, कि मेरी गर्दन पे थी तलवार मेरी दुश्मन की, मेरी गर्दन पे थी तलवार मेरे दुश्मन की, मेरी बाजू पे मेरी माँ की दुआ रखी थी, तावीज बना लिया। अब इसको समझ रखते हैं ना कि इंटेंसिटी क्या है, दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी है। लेकिन यहाँ शायर दुश्मन से बचने के लिए एक उस जिस दुआ की मांग करता है ना, उसके बाजू पर रहती है। तो किस तरह से आप अपने प्यार को जाया करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, वो दोनों के अलग 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 ऊंचाइयां हैं। राहत इंदौरी के ना रहने पर, हालांकि शायर जो होते हैं, लेखक होते हैं, कवि होते हैं, अपने गुजरते वक्त के साथ और मकबूल होते रहते हैं। तो कई ऐसे शायर हैं जो अपने दौर से ज़्यादा मकबूल आज हो रहे हैं, हमारे शहर के जैसे लेखक ही हैं परसाई, वो आज ज़्यादा प्रासंगिक लगते हैं, जिस समय में वो लिख रहे थे उस समय जी बजाय। तो राहत की प्रासंगिकता आने वाले समयों में आप क्या देखते हैं? मुझे लगता है तो अपराध तो रहे नहीं, मुझे लगता है फैज़ अहमद फैज़ और की जो पीढ़ी है ना, जो आगे चल के यहाँ तक पहुँची, राहत तक पहुँची, मैं उस पीढ़ी में कोई रखे ना रखे मैं रखता है ना, एक अच्छे श्रोता की हैसियत से और कविता पर काम करने की हैसियत से, कविता को आवाज के साथ जोड़ने की हैसियत से, मैं फैज़ साहब के साथ उस पीढ़ी के साथ धीरे धीरे सहने सहने जैसे बढ़ते हुए जब राहत तक आते हैं, राहत साहब तक आते हैं, तो वहाँ तक आते हैं। इसके आगे अभी ढूंढना पड़ेगा कि कौन इस मसाले के आगे मुकम्मल मकाम तक पहुंचेगा, क्योंकि ये अनवरत चलने वाली चीज़ है, उस एहसास को आगे तक, क्योंकि दौर तो अब ज़्यादा कठिन है, आने वाला और कठिन हो सकता है। पहले जो शायर थे उनके समय में आज़ादी का स्ट्रगल था, बंटवारा था, बहुत क्रूशल पॉइंट थे, हत्याएँ थी, जनोसाइड सब जो हो गया था उस समय, फैज़ अहमद साहब लिख रहे थे और शायर लिख रहे थे है ना, मोनी नियाजी भी लिख रहे थे उस समय, उसके बाद के शायरों में आते हैं, वही बुजुर्ग हैं। तो कई शायर ऐसे आए कि जिन्होंने उस जज्बात को अपनी शायरी में अल्फाज दिए, कैफी साहब थे, साहिर साहब थे, साहिर साहब की नज़्म परछाइयाँ, और अद्भुत वाक्या जोड़ते हैं, मैं इसको यहाँ सरप्राइज करूँगा कि हम लोग 2004 में मुंबई में थे और मुंबई में वर्ल्ड सोशल फोरम की मीटिंग थी, जिसका नारा था अनदर वर्ल्ड इज़ पॉसिबल, दुनिया भर के 2.5 लाख लोग उस कैंपस में, नेशनल ग्राउंड के अंदर थे, सब कुछ था वहाँ पर, सब कुछ था वहाँ पर,
लेकिन 2.5 लाख लोग यहाँ सिंपोजियम चल रहे हैं, बड़े बड़े ऑथर बोल रहे हैं, एक्टिविस्ट हैं, राइटर्स हैं, पेंटर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, थिएटरिस्ट हैं, सब अंदर हैं। आप कल्पना करिए कि जिस तरह हम लोग चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो एक ऐसी जगह थी जहां पर शायर, कवि, कहानीकार, गीतकार सब थे, लेकिन मुंबई नेस्को ग्राउंड के अंदर दुनिया अलग तरह से बनी हुई थी। और वहां पर जब पाकिस्तान से दल आया था, वो दल, आप कल्पना करेंगे कि वो दल सीधे नहीं आ पाया, पाकिस्तान हिंदुस्तान सीधे नहीं आ पाया, वो लोग पाकिस्तान से वीज़ा लेके सीधे हिंदुस्तान नहीं आ पाए, वो यहाँ वहाँ से घूमते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर साहिर की नज्म परछाइयाँ का प्ले किया, उसको मंचित किया उसको। और मेरे को वो परछाइयाँ इस्तेमाल के लिए बैसाखी और टेपकॉटर मुझे गिफ्ट कर गए उन लोग, जिससे वो ऑडियो चला रहे थे, उनका अभी रखा हुआ है। तो ऐसे ऐसी कितनी शायरी है, कितने शायर हैं जो दोनों मुल्कों के साथ एक ऐसा रिश्ता रखते हैं बंटवारे के बाद भी, जैसे तुम्हारे इश्तेहार वहाँ हैं और हमारे इश्तेहार यहाँ हैं, वो रिश्ते आज भी जिंदा हैं। हम पॉलिटिकली सोचना हमारा एक अलग तरीके का है, लेकिन हमारा ह्यूमन के लिए सोचें तो एक अलग एरिया। तो राह साहब वहीं चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, और ये रवानगी के साथ इस बात को बेहतर हमें समझ पैदा करना चाहिए हर दौर में, कि विचारकों, चिंतकों, लेखकों, शायरों, रंगकर्मियों, चित्रकारों, इन 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 इस पौध के लिए अनदर वर्ल्ड इज नॉट पॉसिबल, अनदर वर्ल्ड इज देयर, एक दूसरी दुनिया होती ही है, और इसलिए इस दुनिया के लोगों को उनको बख्श देना चाहिए, बेहतर तरीके से जीने देना चाहिए और विचारों को बढ़ने देना चाहिए। जब राहत इंदौरी के बारे में कुछ लोगों को तल्ख होते हुए देखता हूँ मैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समझ हमें पैदा करनी चाहिए कि हम ऐसी ऐसी आवाज़ों को अपने बीच खूबसूरती से पनपने दें। अब आने वाले दौर ही ये तय करेगा कि ऐसी आवाज़ें आती हैं, ऐसे शायर आते हैं या नहीं। पर राहत इंदौरी का एक मुकाम जो मुकम्मल मुकाम जो है वो मुसलसल और अपनी शख्सियत के साथ काबिज होता चाहिए। मैं एक शेर से अपन बात कदम करेंगे, जिससे मेरा परिचय जब उनसे नहीं हुआ तो उसके पहले का शेर है, जो आज तक इस दुनिया की जो लड़ाई है ना, इसमें वो कहते हैं किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है और मुसलमान हो जाते हैं ना, इसलिए उनका उन पर अटैक होता है। तो देखिए कि दुनिया में एक शायर किस तरह से इस्तेमाल करता है इस हकीकी दुनिया को। वो कहते हैं कि मैंने हवा में 2-4 उंगलियां घुमा दी, मैंने हवा में 2-4 उंगलियां घुमा दी, उसने पूछा था कि तेरा खुदा कैसा है। मैं कुछ और, यदि आप कुछ और शेर पढ़ना चाहें, बताना चाहें, आपके जहन में हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि बात बहुत दूर जाएगी और फिर हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से उठना मुश्किल जाएगा। तो आज की इस नशिस्त में हम इस शेर से ही इसको। वैसे एक बात मेरे जहन में आ रही है, जो शेर है जो बहुत चर्चा का विषय रहा, कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान है। देखिए, ये जर्मन्स हो या अमेरिकन्स हो, ये किसी के बाप का जर्मनी नहीं है, ये किसी बाप का अमेरिका नहीं है, ये किसी बाप का रशिया नहीं है, इनफैक्ट ये किसी के बाप की दुनिया ही नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि शायर जब, चूँकि वो पैदा यहाँ हुए और उसको छोटे पर्सपेक्टिव में ले लिया गया, तो जैसे आपने जंगल की बात कही, तो ये जो अर्थ इज अ प्लानट, तो ये प्लानट अर्थ सिर्फ इंसान की मिल्कियत नहीं है। तो हमने भी शायर को कभी कभी उसका मूल्यांकन करने में गलती कर बैठते हैं, और वो उसको उस पर्सपेक्टिव में ले करके, ये मिल्कियत सभी के बीच बटी हुई है। और ये सांस पर किसका हक हो सकता है, हवा पर किसका हक हो सकता है, रोशनी पर किसका हक हो सकता है, हमारी जो
उसूलन जो हमारी सबसे पहली ज़रूरतें हैं उस पर तो किसी का हो ही नहीं सकता। आप रंगों पर हक नहीं कर सकते, आप हवा पे, पानी पे, रोशनी पे हक नहीं कर सकते, और इन्हीं से तो बना है आपका जीवन। हम मैंने आपके साथ फिर बैठेंगे जब आप पुराना जो आपका एक प्रोजेक्ट जिसका हिस्सा आप होने के लिए उस मुकाम तक थे, पर राहत आप कवियों पे काफ़ी पेंट करते हैं, उनकी कविताओं पे काफ़ी पेंट करते हैं, जब राहत पे आप पेंट करेंगे तो हम फिर एक बार आपके साथ बैठेंगे। राहत पे बातचीत करने का आपके साथ आनंद आया हमको, हम मानते हैं कि सुनने वालों को भी इस पे आनंद आएगा। मैं सिर्फ इतनी सी ही गुजारिश करूँगा कि ऐसे महान लोगों को बख्श दीजिए इनके काम के साथ, इनकी आवाज़ के साथ, और सुनिए और मजे लीजिए और इनलाइटन होइए, सोचिए फिर उसके बारे में, और जब भी सोचें तो गहरा सोचिए, अमल भी करें। उथला सोचने से हो सकता है गलत फहमियों का शिकार होंगे। राहत को हम हमेशा याद करेंगे, राहत की याद में हमने जो बातें करी उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।